जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। हरियाणा की खट्टर सरकार पर मंडराया खतरा। क्या गिर जाएगी खट्टर दुष्यंत की गठबंधन सरकार? क्या बीजेपी से समर्थन वापस ले लेगी जेजेपी? हरियाणा में खट्टर सरकार गिरने वाली है। इन सवालों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नींद उड़ा रखी है। उन्हें ना दिन में चैन है और ना रात में सुकून। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, वो जल्द ही उनके नीचे से खिसक सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन को लंबे समय से इग्नोर कर रही हरियाणा सरकार के खिलाफ अब किसानों ने हल्ला बोल दिया है। किसानों ने अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ हरियाणा की खट्टर सरकार को भी उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार शाम हुई किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने ऐलान किया कि अब उनका अगला कदम हरियाणा की बीजेपी सरकार को सबक सिखाने का है। किसान नेताओं के मुताबिक हरियाणा के हर गांव और शहर में बीजेपी और उसकी सहयोगी जेजेपी के विधायकों और नेताओं का घेराव किया जाएगा। बीजेपी और जेजेपी के नेता जहां जाएंगे, उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। दरअसल हरियाणा में खट्टर सरकार चौधरी देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के समर्थन से चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दुष्यंत ने खट्टर से नाराज जाटों और किसानों के दम पर ही 10 सीटें हासिल की, लेकिन बाद में डिप्टी सीएम बनने के लालच में खट्टर से ही हाथ मिला लिया। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीट हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा हुआ 46। अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 40 सीट मिली थी, वहीं दुष्यंत की जेजेपी को 10 सीट मिली थी। दोनों ने हाथ मिलाया और सरकार बना ली। लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने दुष्यंत को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अगर अभी किसानों का साथ नहीं दिया तो उनका राजनीतिक करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देवीलाल एक बड़े किसान नेता भी रहे हैं। ऐसे में खुद को उनकी विरासत का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने वाले दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। हम पक्ष नाटा देख रहे हैं, गुजरात वाले में कितनी हिम्मत है, खट्टर में कितनी ताकत है। हमने वोट दे के बनाए थे, मन अपना हाथ बीजेपी का वोट गिरा था और इलेक्शन में 2-3 लाख रुपये लगाए थे कि जिस तरह साधन सुधन जाऊँ, जब किराए पर किले जाने पड़े तो गाड़ियाँ देने पड़े हैं किराए के, तो 2-3 लाख रुपये लाए सर नू दिए थे इसी वोट। अब वह पहली कलम किसान के हक में चलेगी, इसने कई दिन बात आपने वीडियो भी देखी होगी इसकी, जमाना कर नू कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। एक ही मारे बैठे दुष्यंत, इसने क्या कर दिया, बोले 5100 रुपये बूढ़े पलसन कर दूंगा, चौधरी देवलाल का नाम पर वोट ले गया, ये भी मैंने कति साइड में करके गिर दिया। तो समाज हमारा हर बात का जवाब मारी माता बहन आपने देखी भी जवाब दे दिया हुआ, मारी कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, तो भाई हम पीछे नहीं हटते। वैसे भी जेजेपी के कई नेता और विधायक किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। दुष्यंत भी कृषि कानूनों पर बीजेपी से अलग राय रखते हैं। पिछले हफ्ते हुए नगर निगम चुनावों ने भी दुष्यंत की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को मिली करारी हार ने साबित कर दिया है कि जनता बीजेपी सरकार से नाराज है। इसलिए अगर विरोध बढ़ा तो मुमकिन है कि दुष्यंत सरकार से समर्थन वापस ले लें और खट्टर सरकार गिर जाए। अगर ऐसा होता है तो दूसरे राज्यों में विपक्ष की बनी बनाई सरकार को भी गिरा देने वाली बीजेपी को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।